ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, शिव पुराण संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 98 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 98 से प्रारंभ होता है। यह है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 98। अब देखिएगा इसके नीचे अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त होता है रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता के 6 अध्याय में ये देखिएगा 99 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन नारद से, देव शिरोमणि तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो, तुमने लोगों की के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब प्रश्न नंबर 100 पे, क्योंकि हमने अपने काम की बातें पढ़नी है, जो हमें आसानी से समझ में आ जाए उनको लेना है, जो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हमारा काम सर जावे। ये देखिए, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से आपस विकार कर रहे हैं, कुछ ज्ञान से कुछ अज्ञान से, यानी अटकल लाकर जो ज्ञान दिया जो सुना जाता है, उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, जिस जो यानी मूर्ति रहित माने निराकार, और कहते फिर वो साकार बन गया, वो क्या बना, उसकी साकार मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल के विषय में जानकारी चल रही है, ब्रह्म के विषय में ये ध्यान से ध्यान रखना, उसी को सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सविच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये दुर्गा काल के शरीर से निकली, इसका वर्णन है। उस प्राशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, प्रकृति शब्द याद रखना, यह गीता जी में काम आओगे आपके, जब गीता जी के अंदर आप जी को ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से स्पष्ट की जाएगी, सिद्ध की जाएगी, उसमें प्रकृति शब्द, प्रकृति का अर्थ दुर्गा है, यानी इस शेरा वाली माता को प्रकृति भी कहते हैं। ये देखिए, वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली, तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये स्पष्ट हो गया, इस अष्टंगी को
दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण इसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। स्पष्ट हुआ? आगे देखो, एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने तीन रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का। ये तीन रूप धारण कर लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ शादी कर दी। और ये स्पष्ट है कि एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये काल भगवान के विषय में कहा गया है, जो इसका पति है दुर्गा का, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब उसी का प्रकरण चल रहा है काल भगवान का। अब ये ब्रह्मा बता रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आए थे और ब्रह्मा जी को मिले थे, क्योंकि ये सभी आत्मा उसी कबीर भगवान की हैं। परमेश्वर ने चाहा था कि ब्रह्मा काल का बड़ा बेटा है और इसको मैं ज्ञान समझा दूँ, हो सकता है ये सभी को समझा दे और फिर ये सब मेरे को समझ जावे। तो ब्रह्मा जी ने परमात्मा से ज्ञान सुना, नाम भी लिया, उपदेश भी लिया, लेकिन बाद में काल ने ऐसी प्रेरणा की उसका नाम खंड करवा दिया। तो उस परमात्मा से सुने हुए उस ज्ञान को और साथ में अपने खिचड़ी ज्ञान को मिलाकर वो ब्रह्मा आज्ञा सुनाने लग गया, परमात्मा से दूर हो गया और काल के हाथ में फंसा रहा, परमात्मा की शरण रखी नहीं। अब उसी काल भगवान के विषय में, इसको सदाशिव भी कहते हैं, महाशिव भी कहते हैं, महाविष्णु भी काल ब्रह्म को बोलते हैं और महाब्रह्मा भी यही रूप धारण कर लेता है। अब यहां काल के विषय में जानकारी दी जा रही है, देखिएगा। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। हो गया स्पष्ट? के सदा शिव को काल रूपी ब्रह्म भी बोलते हैं, काल रूपी यानी काल भगवान भी कहते हैं। उन्हीं काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, मिसप्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं, काशी। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और शिव, दुर्गा और शक्ति और शिव, दुर्गा और शिव, जो यानी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं, वहां रहते हैं ऊपर। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है, मुने शिव और शिवा ने, इस काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब क्या बताते हैं, देवर से एक समय उस आनंद वन में यानी काशी में रमण करते हुए, मौज मस्ती मारते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक पैदा करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया उन्होंने, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हो गया, उसका नाम के रख्या 102 पृष्ठ पर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 चल रहा है। शिव ने कहा, उस काल ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल से, प्रकृति और इस ब्रह्म से विष्णु का जन्म हुआ, ये इनके माता पिता हैं। ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं, दास अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं कर रहा। ये है सिलेबस का ज्ञान जो गुरुओं ने हमें देना चाहिए था, लेकिन उन अज्ञानियों ने लोक वेद सुनाकर हमारे
सदग्रंथों के विपरीत ही हमें ज्ञान में उलझा रखा था। और यही कारण रहा, कोई कुछ दंत कथा सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। यदि हम एक ही आधार लेकर चलेंगे सदग्रंथों को, तो अज्ञान होने का कहीं चांस ही नहीं है, कोई भ्रमित ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को था। वही संस्कृत पढ़ सकते थे, काशी विद्यापीठ उनका नाम हो रही थी कि ब्राह्मण लोग ही पढ़ेंगे, और उन्होंने ही सदग्रंथों को समझना है। उनका कोई सदग्रंथ समझ में आए नहीं, क्योंकि उनके पास तत्वज्ञान नहीं था। और तत्वज्ञान में सृष्टि रचना जो है, सृष्टि रचना की कथा है, जब तक वो समझ में नहीं आती तब तक कोई भी सदग्रंथ आप समझ नहीं सकते। तो वो ज्ञान उन ब्राह्मणों यानी गुरुओं के पास नहीं था, जिस कारण से उन्होंने ये ऐसे क्लियर ज्ञान भी हमें नहीं बता पाए, वो नहीं बता सके, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे। और बाद में फिर पैसे लालच हो गया उनको, अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया, और जिस बात से जनता प्रसन्न हो वही बताना, वही उसी तरह उनको कहना समझाना, और जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो उस तरह उनको मूर्ख बनाना, ये उनका उद्देश्य हो गया था। अब इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुआ, ब्रह्म से। आगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। ब्रह्मा जी कहता है, मेरा जन्म भी इसी प्रकार दुर्गा और शिव से हुआ, देखो काल से हुआ। ये शिव कौन है? ये एक तो ये तमोगुण शिव है, ये काल का बेटा है, और ये खुद भी शिव रूप धारण कर लेता है, ये सदाशिव भी कहलाता है, इसको महाशिव भी कहते हैं। ऐसे ही यही काल फिर और लीला करता है, छल छल छिद्र करता है, ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, तो और उसको महाविष्णु कहते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, तो महाब्रह्मा कहलाता है। उसको समझ नहीं सके यू माँ ब्रह्मा के बीमारी थी, यू कौन था, अब इसका सारा निर्णय हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म से देखिएगा। अब यहां छठा अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये आपने अभी पढ़ लिया कि विष्णु जी का नाम धर दिया, उस काल ने शिव ने कहा, वत्स बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, तेरा नाम विष्णु रख दिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं सातवें अध्याय में रुद्र संहिता, ब्रह्मा जी कहते देवर से यानी नारद जी को बता रहे हैं, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किए, किया मुने इस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अपने आत्माओं, अब यहां जो अनुवाद करता था इस हिंदी संस्कृत से, जिसने हिंदी में अनुवाद किया, वो यहां विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। उसने यहां गोलमोल कर दिया, लेकिन कहते हैं चोर चुराई तुम्बड़ी और गड्ढे पानी मां वह गड्ढे वह ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इवन अज्ञानियों ने जैसे तुम्बा होता ना, तुम्बा एक तारा सा बना करें, जैसे ये सीताफल होता ना पेठे जितना मोटा एक वो होता है तुम्बा, एक बेल के लगता फल है, और उसको वो सूख जाने के बाद उसको सुराख करके उसके बीज निकाल देते हैं और वो इतना मोटा हो जाता है और खाली होता है, उसको वो पानी में डूबता नहीं। कहते किसी चोर ने वह तुम्बा चुरा लिया किसी का और उसको पानी में छुपाने लग गया नीचे, वो पानी में छोड़का और वो ऊपर आ जा जब। तो कहते हैं इन्होंने, इस अज्ञानियों ने सच्चाई को दबाने की चेष्टा पूरी की, लेकिन ये सच्चाई छुपी नहीं, दबी नहीं। चोर चुराई तुम्बड़ी वो गड्ढे पानी में और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं 110 पृष्ठ पे
ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय 110 पृष्ठ पे यहां है अध्याय 9, इसके लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है। ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीनों गुण युक्त है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। इसे सिद्ध है कि ये कोई इन तीनों से न्यारा है और जो इनका पिता है। अब और क्लियर करते हैं इसी शिव पुराण के, और प्रश्न नंबर 25-26 पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यही कथा। ये देखो, ये है विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता, और प्रश्न नंबर 25 पे है। ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, किससे इस काल से, सदाशिव से, प्रभो सृष्टि आदि में 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला ब्रह्म, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत यानी विष्णु, सृष्टि और पालन, सहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। अब देखो, अब वो काल क्या कह रहा है, पुत्रो, हे मेरे बेटो, ब्रह्मा और विष्णु को, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से, सृष्टि और सती थी दोनों कर्त, दोनों काम, सृष्टि ब्रह्मा को और सती थी विष्णु को, यानी तुमने तपस्या करके मुझ प्रसन्न हुए परमेश्वर से प्राप्त किए, मेरे से प्राप्त किए, ये दोनों ही तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कर्ते, सहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कर्ते, सहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं। अब 4 हो गए, एक तो ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि और सती थी उनको मिले, और रुद्र और महेश्वर को ये सहार और तिरोभाव। इससे सिद्ध हो गया कि जो ज्ञान बोल रहा है इससे अलग है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, वो उनके बेटा कह रहा है, वो उनके पुत्र हैं। अब हम यही सिद्ध करना चाहते थे कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ब्रह्म, और इसी काल ने ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर के भूत की तरह, प्रेत की तरह सूक्ष्म रूप बनाकर श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान बोला, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि मैं काल हूँ और सबको अब खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ, नष्ट करने के लिए। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, उन्होंने पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और बाद में कभी अपने को काल नहीं कहा, वो तो सतोगुण भगवान थे, दयालु आत्मा थी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कह रहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता काल यानी ब्रह्म कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका सुमन करता हुआ जो अंतिम समय तक सांस, अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, मेरे वाली राहत उसे प्राप्त होती है, जो लाभ मेरी साधना से होता है। यही पुराण में लिखा, शिव पुराण में भी दिखाता हूँ। ये शिव पुराण अभी आप पढ़ रहे थे 26 पृष्ठ पे, इसी में ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसे में अभी आप पढ़ रहे थे।
कि हे पुत्रो, ये प्रश्न नंबर 26 पे ये क्या कह रहा है कि हे पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, वे दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो ने दो अन्य उत्तम कृत्य सहार और त्रिभाव मुझसे प्राप्त किए। इसे सिद्ध है कि इन चारों से अलग है वो शिवपुराण का जो ज्ञान दे रहा। अब यहाँ क्या कहता है ये, मैंने पूर्व काल में अपने सर्वभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। मेरा एक ओम नाम है, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही सदा श्रवण होता है। अब यहाँ कहता है इन ऊपर इसके सारे लिख रखे हैं, उत्तर का मुख पश्चिम का मुख ऐसे होने से, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह परमण ओम नामक एक अक्षर हो जाता है। ओम एक अक्षर हो जाता है। अब देखना, अब यही गीता जी में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। यहाँ देखना 53 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 53, पर्वण के दो भेद बताए गए हैं सथूल और सूक्ष्म। ओम के एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म पर्वण जानना चाहिए। ओम जो सूक्ष्म, ओम एक अक्षर रूप है, यानी ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि गीता जी का ज्ञान भी इसी काल ने बोला था और इसका मंत्र ओम है। ये देखिए प्रश्न नंबर 105 रुद्र संहिता, उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक अक्षर एक अक्षर प्रवण ही है, एक अक्षर ओम प्रवण को चाहे ओम को, ये सभी वाच्य अर्थ रूप हैं। वह परम कारण रत सत आनंद एवं अमृत रूप परात्पर परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। अब यहाँ क्या सिद्ध हो गया कि काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता है।